अनुष्का श्रीवास्तव, कावेरी प्रियम एंड सपना राठौर, शी इज ऑलरेडी रीच्ड हियर. उसकर क्या कर रहे हैं? फ्रेम में आ रहे हो? हाँ, तो फिर फुल फ्रेम में हो. थोड़ा साठ हो गए. माइक नहीं है. लाउडर, लाइक मी, लाउडर. चलो बाकी तो बाइट होगी. आई थिंक इट्स अमेजिंग दैट वी रीच सो फार. साइलेंस. With our small but wonderful film. When we started out the film, I had just one thought in my mind, that was to make a film with as much passion and with whatever limited resources we had. I think the film has shaped up wonderfully thanks to our director, thanks to Jen, our producer, and of course the whole team, Manzar Bhai. And KS and the actresses and everybody, I think it's just shaped up wonderfully. The promos look really nice. The songs are really, really nice. So all I can wish our team is all the very best, and of course congratulations to the entire team. I hope the film is a smashing success, And yes, may all of us go on to bigger successes from here onwards. So before Sameer starts, from Jaya Production, I also would like to come on stage, Kaleem Bhai. He is the EP, he is the person who is behind all of these. Please come on stage. Sufi Bhai, our music director, is also sitting over there. ऑडियो नहीं है, थोड़ा जोर से. वो ऑडियो नहीं है, बैठ कर बाद में ना. फिर अभी क्या करना है? लाउड बोलो. हां, अपनी आवाज. हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी फिल्म कृष्णा जी एक थ्रिलर और सस्पेंस फिल्म है. बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है और पब्लिक को फुल एंटरटेनमेंट मिलेगा. और हम चाहते हैं कि आप लोग इस फिल्म को देखें और हम लोगों को जैसा कि आप लोगों ने तो गाने सुने ही होंगे और अभी देखे भी हैं गाने, तो बड़ी मेहनत से ये सॉन्ग्स को बनाया गया है. और जो मंजर भाई हमारे सारे गीत उन्होंने लिखे हैं, और मैं पूरी टीम को मतलब मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा जो मेकिंग किया है मूवी का जेआर प्रोडक्शन के थ्रू. और जैन भाई जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं. वो प्रोड्यूसर नहीं है, बहुत अच्छे साथ में इंसान भी हैं. बाकी हमारे जो ताबिश भाई हैं साथ में, कैस भाई ने बहुत अच्छी एक्टिंग किया, और जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा. हमारी जो लीड एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, अनुष्का जी लीड कर रही हैं फिल्म में, कावेरी जी हैं साथ में, और आदिल भाई का बहुत ही दमदार करेक्टर है उसके अंदर, पुलिस का भूमिका में दिखेंगे आपको. बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स ने हमारे गीत गाए, जैसे कि राहत अली खान साहब हैं. आप सब लोग अच्छे होंगे. और आई वुड लाइक टू थैंक यू टू समीर खान. आई थिंक विदाउट दिस कोऑपरेशन दिस थिंग कैन नॉट इवन 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 टू बी मेड. और एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की हमें. आरन सर को बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा, बहुत कमेंट किया हमने शूट के दौरान. अनुष्का, थैंक यू लवली ऑल्सो. और सपना भी यहाँ पे आ गई हैं, तो मैं इन सबको थैंक्स कहना चाहूँगा. और जैन सर ने भी बहुत 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 ज़्यादा कोऑपरेट किया था शूट पे, तो मैं सबको एक साथ यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूँगा. मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छी बनी है और आप लोगों को भी अच्छी लगेगी. आपने गाने देखे होंगे. मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा काम आप सबको शायद अच्छा लगा हो. एक छोटी सी शुरुआत है, एक छोटी सी कोशिश है, तो उम्मीद करता हूँ कि शायद आप लोगों को पसंद आया हो और शायद आए. थैंक्स, थैंक्स टू ऑल. लेट मी वेलकम यू. थैंक्स फॉर कमिंग ऑन द इवेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ माई फर्स्ट डेब्यूट मूवी कृष्णा की. दिस इज वेरी नाइस लव स्टोरी. आई होप यू विल एंजॉय इट. आई वुड लाइक टू थैंक्स मिस्टर माई डायरेक्टर मिस्टर समीर खान सर, माई प्रोड्यूसर जयंत घोष सर, एंड थैंक्स टू माई को स्टाफ
and all my crew member. Please go and watch my first debut movie, Tishnagi. Thank you. Hello everyone, and thanks for coming. I would like to thank my director sir, Sameer Khan sir, the producer sir, Jayant Ghosh sir, and the entire team, because without their cooperation, this would not have been successful. And I would request you all to please go to the theatres on 4th May and do watch the film and try to appreciate us as much as you can. Thank you. Yes. First of all, thank you so much for coming here, guys. You guys are looking amazing, and thank you so much to see you here. And देखिए कोशिश तो सभी करते हैं और कोशिश को कामयाब बनाना ऑडियंस का काम होता है तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की है और उस कोशिश को हम यही आशा करते हैं कि आप सभी सराहेंगे. सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगी हमारी फिल्म के डायरेक्टर मिस्टर समीर खान जी के लिए. यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम बिकॉज ही इज आउटस्टैंडिंग. एंड इनके हेल्प के बिना, इनके कोऑपरेशन के बिना, इनकी मदद के बिना आई डोंट थिंक सो कि हम इतना अच्छा परफॉर्म कर पाते. मेरे सारे को एक्टर्स कावेरी, अनुष्का, कैस, दे आर रियली अमेजिंग. हमारे म्यूजिक डायरेक्टर मिस्टर गूफी जी, उसके साथ साथ हमारे जो फिल्म के राइटर हैं वो बहुत अमेजिंग है, जो आज एक अलग अवतार में नजर आ रहे हैं एंड सूफी अवतार में नजर आ रहे हैं. दे ऑल आर रियली अमेजिंग. हमारे प्रोड्यूसर सर एक बार जोरदार तालियां हो जाए. जयंत जोशी, जयंत सर, ताबिश सर एंड एक सर मिसिंग है आई थिंक यहाँ पर. एंड नन अदर देन ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर कलीम. देखिए क्या होता है ना, फिल्म जब भी बनती है तो पर्दे पर और बैक स्टेज पर दोनों जगहों पर काम करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है. तो हमारा दोनों ही जगहों पर जिन्होंने बहुत ख्याल रखा है और आज आप सभी को यहाँ पर बुलाया, आप सभी और हम सभी जिस मुकाम पर आज नजर आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ शेयर शेयर जाता है, तो वो है कलीम सर का. गाने आप सभी ने सुने हैं, आई होप कि आप उसे पसंद कर रहे हैं. 1 मिलियन आई थिंक माफी मांगना चाहूंगी कि मैं बहुत लेट हो गई इसके लिए. आई एम सो सॉरी बट आई होप कि आप ये फिल्म देखें, इंजॉय करें. 4th May को रिलीज हो रही है, सभी थिएटर्स में जाए, इंजॉय करें और अच्छा अपना जो भी रिव्यूज हो, आपके अच्छे हो चाहे बुरे हो, मैं नहीं कहूंगी कि अच्छा ही कहें, जो भी रिव्यूज हो आप हमें जरूर बताएं ताकि हम नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रोवाइज कर पाएं. थैंक यू सो मच. जस्ट अ फोटो ऑफ विद द म्यूजिक सीरीज कैन हैव अ स्टार कास्ट ऑन वन साइड. बट 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 बस बाबूजी एक नाम बताना कुछ नहीं बिना कबीर सर लाल कलर पूरा फ्रेम खराब कर रहे कबीर सर पूरा फ्रेम ही खराब कर ये सामने देखिए खराब कर रहे पूरा क्या देखिए कबीर सर अरे और गांधी महात्मा हमें आजादी बाबा नीचे बैठो गांधी जी हमें भी आजादी. हां सर एवरीवन इन द सेंटर. हां या एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई एक मिनट सुन वालों का कौशल सर एक मिनट भाई नहीं हो गया चलो ठीक है. अरे यार भाई बाइट कहाँ होगी. नहीं हमें ऊपर ले हाइट नहीं मिलेगी खड़ी मैं नीचे टक कितना हाइट होगी. ओके सर थैंक यू. कुछ नहीं मैं बताता हूँ आप कितना लोग हैं. तो कितना लंबा केबल है आप पे क्या. नहीं नहीं उतने लंबे नहीं चाहिए ट्रैफिक ऊपर डालिए. नहीं उनको भी वहीं हम भी ऊपर जाएंगे क्रॉस में जी पोस्टर लाइन क्रॉस में दो ऊपर दो आधे इधर आधे स्माइल आधे हां आधे दो जगह इंटरव्यू करो चार लोग इधर लगा ले चार लोग उधर लगा ले हां दो जगह करो सभी भाई बिना एक ही में क्यों ये करो. अरे ट्रैकोड वाले एक साइड बगैर ट्रैकोड वाले सभी सर प्लीज कम क्लोजर वीडियो
अभी तो फोटो ही चलेगा। थैंक यू। नहीं 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 सोलो सोलो एक सोलो 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 इसका क्या सबका सोलो फोटो थैंक यू नेक्स्ट सेंटर मैम यहाँ पे रुकिए मैम एक मिनट एक रुकिए मैम एक एक यहाँ नीचे मैम मैम यहाँ पे दीजिए एक बार मैम एक मिनट यहाँ पे सामने सामने हो गया भाई थैंक यू मैम थोड़ा आगे से यस मैम सेंटर लोग यहाँ पे लुक यहाँ पे मैम वन फ्रेम में यहाँ पे पूरा फ्रेम में इन दिस कैमरा डाउन डाउन मैम कम फॉरवर्ड वन स्टेप प्लीज मैम थोड़ा आगे आ जाओ सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आपके रोल के बारे में और किस तरह से ये मूवी मिली और क्या वर्कशॉप रहा और क्या ब्रीफ दिया गया आपको। सबसे पहले तो सर मैंने ऑडिशन दिया था और समीर खान से पहली बार मेरी जब मुलाकात हुई थी तो ऑडिशन लिया ऑडिशन फर्स्ट राउंड में मेरा सिलेक्शन हो चुका था। फिर सर इसमें एक साइको किलर का मैं करेक्टर प्ले कर रहा हूँ तो एक अलग तरह का साइको देखने को मिलेगा आपको। बहुत टफ था मेरे लिए और क्योंकि एक मेरे दोस्त हैं डॉक्टर हैं डॉक्टर शाहिद तो उनसे मैंने फ़ोन किया मैंने पूछा कि सर ये साइको जो होते हैं मतलब क्या एक्टिविटीज़ होती है उनकी तो उन्होंने बोला कि जो कैरेक्टर्स हैं आपके जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हो आप एक बार मुझे बताना मैं शायद आपकी हेल्प कर सकता हूँ। फिर उन्होंने बताया फिर उन सारी चीज़ों पर मैंने काम किया और सर एक छोटी सी कोशिश की है मैंने शायद इंशाल्लाह जनता को पसंद आएगी और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आएगी। कैरेक्टर में अपने आप को ढालने के लिए आपने क्या क्या प्रैक्टिस की और किस तरह से? सर कैरेक्टर में ढालने के लिए सबसे पहले तो सर मैंने नेट का इस्तेमाल किया। नेट पे मैंने देखा कि सर एक जो साइको जो होता है वो उनकी एक्टिविटीज़ क्या होती है वो क्या करता है सर आखिर वो चिढ़ता क्यों है क्या सारी प्रॉब्लम्स होती है उसको तो नेट से भी सर और काफ़ी प्रैक्टिस भी की सर कुछ कुछ फिल्मों को भी मैंने देखा सर और तो और बाकी डायरेक्टर सर ने हेल्प की। तो क्या मतलब ऑन लोकेशन शूट की बात करें तो लाइक एक आप अकेले एक लीड आर्टिस्ट हैं बाकी तीन गर्ल्स हैं जो आपकी कोच स्टार हैं किस तरह से एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का? सर बहुत अच्छा लगा सब कोऑपरेटिव हैं सर सबके साथ काम करके बड़ा मज़ा आया और तीन कावेरी सपना अनुष्का सब ने शूट पे काफ़ी कोऑपरेट किया और काफ़ी अच्छा काम भी किया उन्होंने और सबको क्या है कि अब मैं एक साइको किलर हूँ तो मेरा अभी क्या हो सकता है आपको तो पता ही होगा फिल्म में कैरेक्टर तो उस हिसाब से सर जिसका भी जो कैरेक्टर है सबने अच्छे से प्ले करने की कोशिश की है हमने भी किया सर ये सर जी नहीं सर वो क्या है कि फिल्म का डिमांड है सर वो मेरी पर्सनल इच्छा नहीं थी सर वो फिल्म की डिमांड थी सर तो एक जो भी डायरेक्टर ने कहा वो फिल्म के हिसाब से तो हमने कोशिश की सर और पब्लिक को पसंद भी आ रहा है सर लोग आपने देखा भी नहीं ऐसा कुछ नहीं है फैमिली की तरफ से भी रिस्पॉन्स अच्छा ही आ रहा है उन्होंने कहा कि फिल्म है ठीक है यू शुड ट्राई बेटर और करना भी चाहिए आपको
तो फैमिली की तरफ से ऐसे कोई इश्यूज़ नहीं है, अच्छा सोचते हैं वो सिर्फ फिल्म को फिल्म के दायरे में ही सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फेवरेट एक्ट्रेस ऑफ योर बॉलीवुड इन बॉलीवुड? दीपिका। अमेजिंग फॉर्म। एंड फेवरेट एक्टर एंड डायरेक्टर? सलमान खान। डायरेक्टर? संजय लीला भंसाली। थैंक यू। Parul, take a picture of all this, na? These are all good Facebook. Rolling. Tell us something about your role, how you get this project and how you come on the board of this. Ye actually director sahab Sameer Khan aur unki team ne jab mujhe bataya, you know, jab main unse mila aur unhone bataya ki aisi film hai. So very good role, bahut strong role tha. Aur cast mein bhi Rajpal the, main tha, to ek acha ek यू नो सेटअप भी था. और देखते ही देखते आई मीन इट्स क्वाइट अमेजिंग कि हम लोगों ने इस तरह से ये फिल्म यू नो वी बीन एबल टू मेक. भोपाल में हमने तकरीबन एक महीना शूटिंग की और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत बॉम्बे में किया. सो ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स अ वंडरफुल फिल्म और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर सबके साथ जुड़कर, यू नो, टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज और टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. वेरी प्राउड ऑफ दैट. और जो टीम भी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि कैज जैसे ही इज़ क्वाइट न्यू, बट बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की है कैज ने और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस बाकी सब लड़कियों ने भी की है. बिकॉज द थ्री गर्ल्स आर द, यू नो, उन्हीं के ऊपर कहानी एक्चुअली घूम रही है वन बाय वन. So I think it's a wonderful performance. When you look the director and the co-star and the producer, they all are new from the same you in earlier feature also. It become easier to work with them new co-star with you. हाँ, I mean ऐसा कोई भी problem ऐसी कोई film में मुझे आज तक by God's grace हुई नहीं है. I think whether you're working with newcomers or whether people जो कि established हो चुके हैं, eventually set के ऊपर तो everyone सब आते हैं, अपना काम करते हैं, director की बात सुनते हैं एंड यू नो देन एवरीवन ट्राइज टू डू द बेस्ट पॉसिबल वर्क पॉसिबल. सो दैट्स जस्ट व्हाट वी हैव डन. व्हाट रियली एक्साइटेड यू इन दिस? आई थिंक द स्टोरी, जो स्टोरी है और जो डायलॉग्स जिस तरह से हमारे जो राइटर हैं मंजर भाई उन्होंने लिखे, जिस तरह से डायरेक्टर साहब ने इसे शूट किया, आई थिंक दैट्स व्हाट रियली एक्साइटेड मी. एंड ऑफकोर्स द टीम, द प्रोड्यूसर जयंत भाई, द वंडरफुल पर्सन, उनसे मिल करके, यू नो, यू फील लाइक ही इज़ अ वेरी वार्म नाइस पर्सन. सो यू नो द होल टीम, द वाइब्स जो है जिसको हम कहते हैं, वाइब्स बहुत अच्छी मिली पूरी टीम से, तो बहुत अच्छा लगा. या द आई मीन द ट्रेलर हैज गॉट 5 million व्यूज सो फार, सो दैट्स गुड, दैट्स गुड. या ऑलराइट, थैंक यू, थैंक यू. ओके सर, tell us something about your three of you and you're looking, trailer is looking very amazing and response is getting very good. Tell us something about the movie, how you get this movie also. Okay, so बहुत सिंपल सी प्रोसेस होती है एक आर्टिस्ट की कोई भी फिल्म मिलने की, वो थी हमारा ऑडिशंस. ऑडिशंस के थ्रू ही हम लोगों को ये मूवी मिली है. आई थिंक मुझे तो उसके थ्रू ही मिली, आई डोंट नो अबाउट देम, बट इट वॉज रियली अमेजिंग टू वर्क विद ऑल द कैरेक्टर्स. दे हैव प्लेड रियली गुड रोल इन दिस फिल्म एंड वी हैव स्ट्रगल अ लॉट टू प्ले दिस कैरेक्टर बिकॉज मेरे जो गाने आप लोगों ने अगर देखे होंगे, तिश्नगी टाइटल ट्रैक आई हैव परफॉर्म्ड, सो इट इज़ लिटिल बिट एक्सपोजिव एंड वो थोड़ा सा सेंसुअस सॉन्ग है. तो आई थिंक वो सॉन्ग करने में मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी. तो सभी का कोऑपरेशन, सभी का सपोर्ट बहुत अच्छे से मिला है, तो उसकी वजह से ये गाना बहुत अच्छा निखर कर आया है. फिल्म में मेरा कैरेक्टर जो है वो पूजा का कैरेक्टर आई एम परफॉर्मिंग. सो आई होप कि आप मेरा कैरेक्टर पसंद करेंगे. मिस्टर आर्यन वैद्य जो हैं, जो पुलिस का कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, कॉप का कैरेक्टर कर रहे हैं, उनकी सिस्टर का कैरेक्टर है. सो आई होप कि आप इस मेरे कैरेक्टर को परफॉर्म करते हुए अच्छा महसूस करेंगे देखना. थैंक यू सो मच. मैंने भी अपनी जर्नी ऑडिशन से शुरू की थी और इनफैक्ट मेरा ऑडिशन बिल्कुल एंड में हुआ था. सिलेक्शन भी सबसे एंड में हुआ था जब मूवी ऑलमोस्ट फ्लोर पे जाने वाली थी. सो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला प्रिपरेशन करने का, लेकिन मैंने जितने भी दिन मिले बचे हुए थे शूट के दौरान, मैंने अपनी 100% देने की कोशिश की है और बहुत अच्छा लगा मुझे काम करके. टेल समथिंग अबाउट योर सॉन्ग नाइट, इट वॉज रियली नाइस. Oh, my song is really nice. It is being liked by a lot of people.
एंड आई वॉज होपिंग दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स बिकॉज जो सॉन्ग है वो आप देखेंगे काफ़ी 90s 80s की याद दिलाता है, तो ऐसे गाने अब बनते नहीं. इनफैक्ट द गाना इज़ ऑल्सो सो स्वीट एंड वेरी, पलक मुरछाल की आवाज़ तो अमेजिंग है ही, तो इस गाने में चार चांद लग जाता है उसकी आवाज़ से. एंड सो इट इज़ वेरी गुड टू सी सच काइंड ऑफ सॉन्ग्स अगेन इन द फिल्म इंडस्ट्री कमिंग अप. मुझे अच्छा लगता है पुराने ज़माने पुराने एरा, आज भी सुनती मैं पुराने गाने, तो मेरा गाना मेरा फेवरेट है इस फिल्म में. हाँ, लता जी का लग जा गले, देन छूकर मेरे दिल को किया तूने क्या इशारा, वो जो सॉन्ग्स के बोल थे दे वे सो नाइस, मतलब सीधे दिल के तार को छू कर जाते थे. तो यस यस, दैट्स अ वेरी गुड थिंग. मैं आजकल के ज़माने में मॉडर्न लड़कियां, एवरीथिंग इज़ मॉडर्न, उस ज़माने में अगर ऐसे पुराने गाने फिर से आते और ये दौर अगर फिर से चलता है सम अनुष्का, आई एम फ्रॉम बिहार, वेरी स्मॉल प्लेस मुजफ्फरपुर. आई एम प्लेइंग रोल ऑफ करण्स गर्लफ्रेंड मेघा. या आई फोर ईयर बैक आई केम टू मुंबई एंड इट वॉज नॉट वेरी ईजी, आई स्ट्रगल अ लॉट. देन आफ्टर आई वॉज डन, आई हैव डन लॉट ऑफ सीरियल्स. देन आफ्टर स्ट्रगल आई गॉट फ्रॉम द ड्रीम मिस्टर समीर खान हु इज़ वेरी सपोर्टिव, जिन्होंने मुझे इस मूवी के लिए मुझे सिलेक्ट किया. मैं बहुत खुश थी कि हाँ मेरी ये पहली मूवी है, दिस इज़ माई फर्स्ट डेब्यूट मूवी तिश्नागी, और मैं बहुत नर्वस भी थी कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं. बट उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्ट किया. मेरे को स्टार कैस तनवीर जी ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, और इस गाने में हमने भी बहुत मेहनत किए हैं, बहुत रिहर्सल हुए थे, तो अच्छा लगा शूटिंग के दौरान, हमें बहुत अच्छा लगा. दैट्स इट, देखते हैं सबको क्या पसंद आता है कि नहीं. हमें तो अच्छा लगा एंड हमने बहुत मेहनत भी की है. गुफी जी ने बनाए ये गाने, अच्छा लगा एंड राहत सर ने अपनी वॉइस दी है, अमेजिंग. थैंक यू. Actually, it wasn't okay that time, because right now I'm okay with that because I have performed already, because I have faced lots of struggle, lots of, like, you know, people are saying this is a very explosive character you are playing. I don't know ki aapko is film karne, ye film karne ke baad aapko और भी जो आने वाली फिल्में हैं और भी जो कैरेक्टर्स हैं आपको सेम कैरेक्टर ही ऑफर होंगे. तो ऐसा नहीं है कि जो आर्टिस्ट होता है उसको हर लेवल पे काम करना पड़ता है, एंड मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है. एंड आई होप यू गाइज आर लाइकिंग दिस सॉन्ग, बिकॉज द सॉन्ग इज़ रियली अमेजिंग. सुनिधि मैम की आवाज़ में परफॉर्म करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज शी इज़ द, लाइक यू नो, शी इज़ द क्वीन ऑफ मेलोडियस वॉइस एंड शी हैज़ डन रियली गुड जॉब इन दिस सॉन्ग. सो गाना बहुत अच्छा लगा मुझे, वो बहुत ही, यू कैन से कि जो गाना है वो दिल को छूता है. इसके साथ साथ हमारा जो टाइटल है उसको बहुत अच्छे से पोर्ट्रे कर रहा है, तिश्नगी. तो तिश्नगी इज़ वॉट, तिश्नगी मीन्स लाइक प्यास, ऑलराइट. तो जुनून प्यास जो है वो आपको उस गाने में नज़र आएगी. तो मैंने सिर्फ अपने कैरेक्टर को अपनाया है और जो मुझे लगा है मैंने उस तरीके से उसको परफॉर्म किया है. नर्वसनेस बहुत ज़्यादा हुई थी, मैं इसलिए स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगी मिस्टर पप्पू शेट्टी जी का, जो हमारे इस फिल्म के DOP रहे हैं. उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, उन्होंने बहुत कम्फर्ट जोन दिया है परफॉर्म करने के लिए. उनकी वजह से मैं इतना खुल पाई कि मैं उस कैरेक्टर को परफॉर्म कर पाऊँ. My favorite actor in Bollywood, there are so many actors, one of them. Yeah. It's really a very difficult question for me actually. Right now my favorite actor is Ranveer Singh, and my favorite actress is none other than Kareena Kapoor. So I always follow her and follow him also. So they both are really good actor and they guys are going very good, you can see on screen also. So that's it. Favorite director? My favorite director? Oh my God. Sameer sir ka naam nahi lungi to fir lazmi nahi hoga, I think. My favorite director, there are so many director. I love Anurag Kashyap. I seriously love his work and it's my dream to work with him. I hope in future I'll definitely work with him. And your favorite director? My favorite actor is Ranbir Kapoor and Kangana Ranaut. And director?
director Sanjay Leela Bhansali. Oh my god. My favorite actress is Kareena Kapoor and Ranveer Singh. Same. And my favorite director is Subhas Ghai and Sameer Khan sir. यहाँ पे मैम लुक है जी तीन हीरोइन के साथ काम करना चार के साथ भी कर सकता हूँ और देखा जाए तो हमारी फिल्म में 8-10 स्टार कास्ट थे जो भी लोग थे तो सबके साथ तो ये काम होता है ना हमारी स्टोरी की डिमांड थी हमको करना था हमने किया नहीं नहीं अभी सबसे कमाल की बात ये रही कि हमारे जो तीनों हीरो ने है ना कभी भी एक साथ शूट नहीं किया ठीक है ना और वैसे वो सब इतने कोऑपरेटिव है ना कि वो हमारे लिए उन्होंने कोई टाइमिंग का ये नहीं था फाउंडेशन नहीं था कि इस टाइम में इतनी देर शूट करना है हमने कभी कभी तो रात के 12 बजे 2 बजे तक शूट किया है मॉर्निंग से स्टार्ट करके सब ने अच्छा कोऑपरेशन दिया हमारा फिल्म के बारे में जैसा अभी आप लोगों ने देखा ट्रेलर वगैरह देखा आपको पता होगा ये एक थ्रिलर लव स्टोरी फिल्म है ये और इसमें हमने मतलब एक साइको लवर एक नए तरीके से हमने इसको प्रेजेंट किया है कोशिश की है प्रेजेंट करने की तो बाकी आप लोग देखेंगे फिल्म तो पता चलेगा क्या है सिनेमा घरों का अभी चल रहा है फिर भी 600-700 सिनेमा घर के आसपास जो है ये रिलीज होगा प्रमोशन हम लोग अभी सिटी टूर यहाँ वहाँ सब जाने वाले हैं बाकी प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो भी है और टीवी पे गाने वगैरह वो सब चल रहा है कोशिश कर रहे हैं अपने लेवल पे जो हो सकता है हाँ तो हम लोगों ने ऐसे काम कर लिए कि हमको पता ही नहीं चला कि कब हमारी फिल्म शूट हो गई हमारी जो टेक्नीशियन टीम थी हमारे आर्टिस्ट थे सब ने बहुत कोऑपरेशन दिया और हम लोगों ने बस हंसते खेलते काम करके ख़त्म कर दिया अपना काम ओके ओके थैंक यू सर किस तरह से आपको आइडिया आया कृष्णगी आइडिया ये हमारे एक्चुअली जो राइटर साहब हैं मंजर बलियावी जी ये इनका जो है एक उनकी इनका थॉट था ये उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन करके बोला भाई सर मेरे दिमाग में एक ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आया हुआ है तो मैंने सुना हम लोग ठीक है आप इस पर इसको आगे बढ़ाइए हम लोग इस पर काम करेंगे बस काम होता चला गया ओके ओके बेस्ट ऑफ लक सर कुछ फिल्म के बारे में बताइए दरअसल तिश्नगी जो है वो एक थ्रिलर मूवी है और आज तक आपने बहुत सारी थ्रिलर मूवी देखी होगी लेकिन इसमें आप एक हट के कुछ देखेंगे हट के यूँ देखेंगे कि मैंने जो इस स्टोरी को निकाला है तो जहाँ तक मुझे लगा कि समाज में हर व्यक्ति ऐसा है जिसके अंदर एक साइको छुपा हुआ है लेकिन वो उसको उजागर तब करता है कुछ तो समाज के डर से लोग उसको दबा लेते हैं अपने अंदर लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ़ौरन उस पर रिएक्ट करते हैं तो मैंने एक ऐसे सामाजिक समाज के बीच रहने वाले साइको को मैंने इस स्टोरी में ढूंढा है कि जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा तो सर आपको कितना टाइम गया कितना वर्क करने को गया इसमें तकरीबन मैंने 3 महीने मेहनत किया उसके बाद यूँ हुआ कि स्टोरी जो मैंने लिख दिया और फिल्म के जो गाने थे तो मुझे लगा कि यार स्टोरी बहुत अच्छी है और चूँकि मैं खुद शायर हूँ तो मुझे लगा कि गाने अगर मैं लिखूँ तो हो सकता है कुछ बेटर हो जाए तो गोफी भाई से मैंने ये हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं मैंने इनसे कहा भाई ऐसी ऐसी बात है मैंने एक गाना बढ़ाया इनको जो आपने सुना होगा टूटे हैं सपने सारे और वो गाना इन्होंने बहुत कमाल का बनाया उसके बाद हम लोग साथ में जुट गए और हम लोगों ने सारे गाने बना दिए और बनाने के बाद आज आप देख रहे हैं जो रिज़ल्ट सामने खबर कौन सा सूफी वाला म्यूज़िक डायरेक्टर साहब अच्छा गाते हैं जी चलिए 2 लाइनें सुनाई देता हूँ आपको आँखों ने मेरी आँखों को तेरी
भेजा है दिल का पया, देख मेरे इस दीवानेपन में तेरी लगन सुबह शाम, चाह की इल्म से मैं गुजर जो गया, तेरे दीदार से ही मुकम्मल हुआ, ख्वाहिशों का है तू ही कयाम, सूफी सलाम सूफी सलाम सूफी सलाम सूफी सलाम सूफी सलाम सूफी सलाम सूफी सलाम। मैं म्यूजिक कंपोजर गुफी और इस फिल्म का जो तिश्नगी हमारी मूवी आ रही है इसका म्यूज़िक मैंने दिया है। और सबसे पहली बात मैं बता दूं, अपनी जो मेरी टेक्निकल टीम है, पहले तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और जैसे कि प्रोग्रामर मेरे डीजे भराली, इन्होंने जो मेरा म्यूज़िक को अरेंज किया है, और मेरे मिक्सिंग इंजीनियर हैं आमिर शेख, इन्होंने सारे गानों को मिक्स किया है। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स जो हैं, जैसे राहत फ़तेह अली ख़ान साहब हैं, सुनिधि जी हैं, पावनी पांडे हैं, देव नेगी हैं। और जो राइटर्स के बारे में बता दूं मैं, मंजर भाई ने बहुत अच्छे गीत लिखे हैं हमारे, और इसमें एक गीत जो सूफ़ी सलाम गाना है वो दीपक अग्रवाल ने लिखा है। और ये हमारी फिल्म तिश्नगी, डायरेक्टर समीर खान और हमारे प्रोड्यूसर जयंत घोष, और एक्टर हमारे कैश तनवी हैं साथ में, और अनुष्का श्रीवास्तव हमारी एक्ट्रेस जो हैं, और क्या कहते हैं ये दूसरी प्रियम, कावेरी प्रियम जो हमारी एक्ट्रेस हैं दूसरी, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और आप लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि सब लोग इस फिल्म के गीत जो हैं आप देखें, और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं सुनने के लिए, देखें और फिल्म को ज़रूर देखने जाएं। 4 तारीख को, 4 मई को हमारी फिल्म आ रही है। थैंक यू।